जोरबाग के दरगाह शाह मर्दान के अंजुमन हैदरे संगठन ने NPR, NRC और CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्वक हाथ बांध कर प्रदर्शन किए। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के वजाहत हबीबुल्ला ने बताया कि कैसे BJP दो तरफा खेल खेल रही है। साथ ही उन्होंने डिटेंशन सेंटर को लेकर बात की। हम लोगों ने बाकायदा जब ऐलान किया था, आप देख सकते हैं कि सब लोगों ने बाकायदा अपने हाथ बांध के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हाथ बांध के प्रोटेस्ट करने की वजह क्या है। वो वजह ये है कि सब जगह ये देखा गया है कि खुद RSS के गुंडे, खुद लोग जो पुलिस द्वारा बाकायदा इन प्रोटेस्ट में घुसा दिए जाते हैं और बाकायदा वहां पर दंगे कराए जाते हैं, उस साजिश को नाकाम करने के लिए आज यहां पर ये लोग, सब लोग, यहां तक कि ओलाना भी हाथ बांध के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इज्जत बरी किया जाए, जो बच्चे जेलों में हैं, बेगुनाह हैं, उनको रिहा किया जाए और चंद्रशेखर आजाद जो हैं उनको भी बेगुनाह गिरफ्तार किया है, लिहाजा उनकी रिहाई के लिए भी हमारा मुतालबा है। हिटलर ने इतना जुल्म किया लेकिन जर्मन की तरफ आगे था, लेकिन जब जुल्म किया उसने तो उसके बाद एक कंट्री बनकर रहेगी। कोई भी जुल्म का किसी से रिश्ता नहीं। अगर मुसलमान हिंदू पर जुल्म करेगा, मुसलमान सिख पर जुल्म करेगा, या सिख मुसलमानों पर या कोई और किसी पर, तो जुल्म का कि ऊपर वाला उस जालिम को तोड़ के रखेगा। सबसे पहली डिमांड हमारी ये है कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद, जिनको जामा मस्जिद की सीढ़ियों से गिरफ्तार किया गया जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे इस काले कानून के खिलाफ, तो चंद्रशेखर आजाद जी और उनके साथियों को जो पूरे हिंदुस्तान में बंद हैं इस काले कानून की मुखालफत करते समय, उन सबको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और जो एक काला कानून है, NRC है, NPR है, CAA है, इन तमाम काले कानूनों को विड्रॉ किया जाए। और जब तक ये विड्रॉ नहीं होंगे हम अपनी पूरी ताकत से प्रोटेस्ट हमारे जारी रहेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये दिल्ली गेट पर भाषण दिया वो एक झूठ का पुलंदा था, और जो खुद अमित शाह जी के बयानों से साबित हो चुका है कि वो साफ झूठ बोल रहे थे। और उसके बाद काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने और बाकायदा TV चैनल से स्टोरी करी और बाकायदा डिटेंशन सेंटर्स भी दिखाए हैं, तो उससे साबित हो गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत पक्के झूठे इंसान हैं और वो आँख में आँख डाल के झूठ बोलने में माहिर हैं। मगर अब हमारा बहुजन समाज, चाहे SC, ST, OBC और मुसलमान, उनके झूठ में फंसने वाले नहीं हैं। जब तक ये काला कानून वापसी नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं। मेरा मैसेज ये है कि जिस तरह UP के अंदर पुलिस की वर्दी में गुंडे घरों में घुस रहे हैं, और दूसरे स्टेट में तो अभी ये बात सामने है बट UP में खास तौर से, और UP गवर्नमेंट कह रही है कि वो लोग हमारे नहीं हैं, तो इसका मतलब RSS के गुंडे पुलिस की वर्दी में घरों में घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी मोहल्ले या गाँव में पुलिस आए, फौरी तौर पे घर का बच्चा, औरत, नौजवान सब रोड पे आ जाएं और सबसे पहले उनके ID प्रूफ मांगे, जिसको गिरफ्तार करने आए उसके अरेस्ट वारंट मांगे या समन मांगे, और अगर वो ना दिखा पाए तो वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल वहाँ से खदेड़ दें और किसी भी हाल में बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार ना करने। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ये प्रोटेस्ट NRC और CAA के खिलाफ तो हो ही रहा है। दूसरा बात है कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी को पिछले 10 दिनों में उनको पकड़ा गया है, जेल में बंद किया गया है और मारा गया है, तो उसके खिलाफ भी है। और साथ ही साथ हमारे साथी चंद्रशेखर रावण जो पिछले फ्राइडे को जामा मस्जिद से गिरफ्तार कर लिए गए थे ये पूरे प्रोटेस्ट के दौरान, तो उनको रिहाई के लिए भी ये डिमांड है और उसका लेके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लॉ है, ये लॉ जो है, जो एक्ट पास हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है पहली बात, और ये बात क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। चुनावी रैलियों में क्या बात हो रही है तो ये बोल रहे हैं कि ये मतलब जुमला है या फिर कुछ भी है, तो उस पर उतना सीरियस नहीं ले सकते। लेकिन जो पार्लियामेंट जो पास कर रही है और वो यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो यदि डिस्क्रिमिनेटरी है, और डिस्क्रिमिनेटरी रिलीजन के लेके ही नहीं है, जो यहाँ पे गरीब तबके के जो लोग हैं, बहुत सारा का डॉक्यूमेंट 2000 ईस्वी के बाद ही बनना स्टार्ट हुआ है। अब ये मैं नहीं कहना चाहूँगा कि ये साजिश है या क्या है, ये तो वो जवाब उनसे पूछा जाए, सरकार से ही पूछा जाए, किंतु ये ज़रूर है कि इस अधिनियम से बहुत सारे भारतवासी हैं जिसको जैसे जाहिर हुआ है जिनको आपत्ति है, और इसको अगर इस प्रकार का अधिनियम लाना था सरकार से तो जैसे सरकार में नीति है इसमें लोगों से मशवरा किया जाना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था, और जब ये सहमति होती ऐसे अधिनियम के पीछे तब ऐसा अधिनियम लाते। ब्यूरो रिपोर्ट, दी डेली टुडे न्यूज़।